भारी भरकम एक आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है। इसके पैमाने और गुंजाइश को समझने के लिए हम सीधे चलते हैं इस समय संगीता रेड्डी, जो कि अध्यक्ष हैं फिक्की की, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। संगीता जी, 20 लाख करोड़ अगर हम कहते हैं और दुनिया के बाकी देशों से तुलना करते हैं, क्योंकि सब सारे देशों की अर्थव्यवस्था का हाल बहुत ही बुरा इस समय नजर आ रहा है, ऐसे में इतना बड़ा आर्थिक पैकेज क्या पर्याप्त रहेगा भारत जैसे देश के लिए? सो आई वॉन्ट टू शेयर विद यू दैट ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन पूरा ग्लोब के लिए था, मगर ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी भी है। तो हमने फिक्की के ऑन बिहाफ ऑफ फिक्की हमने ये प्रपोजल दिए थे कि मनी इन द हैंड्स ऑफ द वल्नरेबल, सो लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए 2 लाख करोड़ का ऐसा प्लान दिए थे, फिर बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए, फिर एग्री सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग। सो ये पूरा प्लान हमने दिए थे कि सो दैट वी कैन हैव अ स्वदेश इंडिया, अ स्ट्रॉन्ग इंडिया। और ये पूरा लेके हमारा प्रपोजल था एक 10-11 लाख करोड़, बट दिस इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ व्हाट वी आस्क। सो बहुत एक्साइटिंग फ्रेमवर्क है और देश के लिए अच्छा होगा, मगर हमको कल डिटेल्स भी देखना पड़ेगा कि इसमें क्रेडिट गारंटी कितना है जो फिस्कल डेफिसिट में नहीं आएगा, और इसमें एक्सपेंडिचर कितना है। अगर बैंक्स के द्वारा ये लोन्स वो इस अकाउंट में आए, तो ज़रूर हमको देखना होगा कि बैंक्स कितना ट्रांसफ़र करें बिजनेस को, क्योंकि अभी बैंक्स हैव पार्क्ड ऑलमोस्ट 8 लाख करोड़ विद द आरबीआई। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो हैव अ सॉवरन गारंटी। इसमें और एक बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि ये पैकेज के साथ साथ एक क्रेडिबल मीडियम टर्म फिस्कल कंसोलिडेशन प्लान देना पड़ेगा, और मेरा बिलीफ है कि ज़रूर ये होगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत क्लैरिटी से जी बोला है कि लैंड एक्विजिशन, लेबर जी लॉज, यानी आप कह रही हैं इसमें कि हम फिक्की की तरफ से जो एक तरह से प्रस्ताव था उसका लगभग डबल आप देख रहे हैं यहाँ पर। लेकिन इस समय हमारे साथ सीआईआई के ऑलमोस्ट डबल। अध्यक्ष विक्रम हाँ किर्लोस्कर जी भी जुड़ रहे हैं। विक्रम जी, जो ये 20 लाख करोड़ की अगर हम बात करते हैं, हम आकलन आपके हिसाब से जानना चाहेंगे कि 10% जीडीपी का अगर एक आर्थिक पैकेज के तौर पर ऑफर किया जाता है, तो वो एक देश के लिए कैसी खबर है? देश के लिए आई एम स्माइलिंग बहुत अच्छी खबर है। इसके साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा हो गई है। ये 20 लाख कोटी पैसे पर इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी करना है। वी हैव टू चेंज आवर वे ऑफ वर्किंग एंड मेक श्योर दैट वी गेट आवर कंट्री गोइंग। पर इसमें हम क्या ये समझें कि सेक्टर्स को ये पैसे दिए जाने चाहिए अलग-अलग, या फिर राज्यों को भी पैसे अलग से मिलने चाहिए मदद के लिए? नहीं, देखिए देखिए, अभी डिटेल्स आएंगे। इतने पैसे हैं, सबको मिलेंगे। मतलब राज्यों को अलग मिलना चाहिए आपके हिसाब से, जिस तरह की मेरे स्थिति इस हिसाब से समय पूरे जैसे देश की है? देखिए, बहुत हमारे एसोसिएशन ने, बाकी के सीआई ने, बाकी के लोगों ने कुछ कुछ सजेशंस दिए हैं गवर्नमेंट को। आई थिंक दे हैव लुक्ड एट ऑल पॉसिबल सजेशंस, एक्सपर्ट ओपिनियंस, एंड दे आर कमिंग आउट विद पैकेजेस बेस्ड ऑन ऑल दिस। आई थिंक लेट्स लीव इट टू देम एंड सी व्हाट इज कमिंग आउट इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। जी नहीं, वो तो आगे विक्रम, आई ऐलान होगा थिंक ही उसका। संगीता जी, जिस तरह से आप बता रही हैं कि जी संगीता जी, जो जो विश्लेषण आप कर रही हैं, जो एनालिसिस आप कर रही हैं, उसमें मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि राज्य कह रहे हैं कि हमारी तरफ भी पैसे आने चाहिए, सेक्टर्स कह रहे हैं हमारी तरफ आने चाहिए, ऐसे में क्या हर तरफ का आवंटन हमें देखने को मिल सकता है, या फिर हम उम्मीद करें कि केंद्र सरकार अपने हिसाब से सिर्फ उन सेक्टर्स को पैसे दे रही है? सो क्लियरली जब ये मनी इन द हैंड्स ऑफ पीपल, ये सेंटर से आएगा, पर डिस्पर्समेंट विल हैपन थ्रू द स्टेट्स। अल्टीमेटली ये किसकी तरफ से आया वो इम्पोर्टेंट बात नहीं है, लोगों को मिला है दैट इज इम्पोर्टेंट।
I'm sure they'll find a way that all constituents of the economy are supported and taken care of through this package. ये पैकेज में इट्स अ लार्ज फ्रेमवर्क सबको भलाई होगा इससे. इंग्लिश में एक कहावत है कि व्हेन द टाइड इज हाई ऑल द बोट्स राइज, तो सबको अच्छा होगा ये पैकेज से. बहुत धन्यवाद संगीता जी हमसे ये बातचीत करने के लिए. तो जिस तरह से जी 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 प्लान, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, ईयर 2020 के लिए भी नहीं, मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए भी इंडिया मस्ट बी वेल टेकन केयर ऑफ.